माँ प्यो पर हर करे तीरथ, अठसठ तीरथ घुमण वाणी। मां दा दिल तोड़ के पिता दी बेइज्जती करके जा रहे हैं तीर्थां ते, भाई साहब के दिन सैर सपाटा होगा, घूमण वाणी होगी और कुछ भी, कुछ भी। माँ प्यो पर हर करे दान, बेईमान अज्ञान प्राणी। मां दे सिर दे चुन्नी पाटी हुई है, बेचारी दी पैरां च चप्पल भी नहीं है, हैं दे टूटियां हुई हैं, प्यो दे कपड़े पाटे हुए ने। ये मंदिर गुरुद्वारे च बड़ा दान पिया करता है, भाई साहब कहिंदे ने दानी नहीं है, महा बेईमान है, बेईमान, दानी नहीं है, ये कर्जा ही नहीं चुकाया, बेईमान है। तो जो कर्जा ना देवे उन्हों की कहने ने बेईमान, इन्हें पितरां का कर्जा ही नहीं निबेड़े, मां बाप कमजोर हो गए ने, सेवा ते कमजोर दी करी दी है। संसार विच जिस पक्ष ते कोई कमजोर है सेवा उस दी करनी है। जो मेरे पिछे चल रहे है सेवा उसकी करनी आती है, बराबरी ते आ जाए उन्हों किधरे मौका मिलता है, तो अगे लंघे तो अगे लंघ जाए, ये राजनीतिक नहीं कर सकता। उसकी जो पिछे चल रहा उस तो खतरा आता है, किधरे बराबरी ते ना आ जाए, ऐसा ना हो अगे ही ना लंघ जाए। तो जिहड़ा पिछे आ रहा होंदा है उन्हों खिंच के लत मारी जाती है, होर पिछे हो जाए नेड़े ना। राजनीति तो इस तरह चल रहा है, हकीकत है, सच्चाई है, नहीं तो बराबरी तो आ जाएगा, फिर बराबरी तो आ गया तो खतरा भी हो सकता, हो गया अगे निकल जाए। सेवा धार्मिक मनुख कर सकता है, अगे लंघता है तो लंघ जाए, इहदा पिछे होना मैनू अखरदा है, औखा कर, अंदर इतनी दया है। मैं दो टाइम खा लेना इस विचारे को, दो टाइम खाण का नहीं, मैं सुंदर कपड़े पहन लेना ये पाटे हुए ने, सेवा उसकी करनी है जो मेरे पिछे है। तो संसार विच हर मनुख हर गल विच अगे नहीं आता, कोई कला दे पिछे आता है, कोई ज्ञान दे पिछे आता है, कोई धन दे पिछे आता है, कोई प्रभुता दे पिछे आता है, हर गल दे कोई मनुख अगे नहीं आता। जिस जिस गल दे वो पिछे है उसकी सेवा करनी है। विच दुनिया से कमाइए तां दर गए बैसण पाइए, सेवा दुनिया की करनी है सिमरन दीन का करना है, सेवा संसार की करनी है सिमरन निरंकार का करना है। निरंकार की सेवा की लोड़ नहीं, निरंकार नू पानी पिलाओगे जिन्हें सत सागर बना दिते हैं। निरंकार नू भोजन खिलाओगे जिहड़ा है ही निराहारी, उसकी की सेवा करोगे, वो तो सर्वशक्तिमान है, वो साड़ी सेवा पिया करता, सूरज बन के सानू रोशनी पिया देंदा, वो ही दे रहे, धरती बन के सानू टिकाणा देंदा उसे नहीं देता है, पवन बन के सानू जीवन देंदा है, पानी बन के सानू जिंदगी देंदा उही दे रहा है, उही दे रहा है, वो साड़ी सेवा विच दिन रात जुटे आया है। परमात्मा सेवा ना करे तो असी एक सैकंड भी नहीं हो सकते, वो हवा बन के सानू प्राण दे रहा है, वो पानी बन के सानू जीवन दे रहा है, वो धरती बन के सानू टिकाणा दे रहा है, वो सूरज बन के सानू रोशनी दे रहा है, और कौन दे रहा है उस तो बिना, वो दे सामने असी कमजोर लागरा लाचार, साड़ी सेवा विच वो जुटिया है, सेवा करके वो साडे नाल जुड़िया होया है, सिमरन करके असी उस नाल जुड़ जाइए, संबंध जुड़ जाएगा, वो ते साडे नाल जुड़िया होया है, क्योंकि साड़ी सिमरती दे च नहीं है, इस वास्ते असी टुटे हुए हैं, जो भुल गया संबंध टुट गया,
जो याद आ जाए संबंध जुड़ गया। संबंध यादा देने, स्मृति देने, चेते देने। पहला कर्जा पितृ ऋण। मां बाप ने सेवा की थी सी, हुण तू सेवा कर, ए कर्जा उतरेगा। बेईमान तक कह देता है भाई गुरदास ने, इन्हें सेवा लेते नहीं, हुण बदले च देंदा नहीं। जिवें किसे कोल कर्जा लेते लिया लुटांदा नहीं, बेईमान। मां प्यो पर हर करे दान, बेईमान अज्ञान प्राणी। गुस्ताखी लई बार बार माफी। इस तरह के बेईमान मैं बहुत देखे ने, खुद मौजां पे मानदे ने, मां बाप धक्के पे खांदे, रुलदे पे, पुछदे तक नहीं। बेईमान, बेईमान अज्ञान प्राणी। पितृ ऋण, दूसरा देव ऋण, देवत्यां दा कर्जा। ते देवते कौन ने? अन्न देवता, पानी देवता, बैसंतर देवता। लोन पन्हा पाया ग्रित ता होआ पाक पवित्र, ये सारे देवते ने और पवित्र ने। फिर भोजन बनया पवित्र है, पर पापी सेवतन गड़िया तुखा पईया तित। इस अपवित्र तन दे अंदर ई जद भोजन जो देवत्यां दे संजोग तो बनया अपवित्र हो जाता है। देख के भी घृणा पैदा होती है जो शरीर दे च हो जाता है। पापी सौ तन गड़िया, इस अपवित्र तन दे च जद ये पवित्र भोजन गड़िया जाता, पाया जाता है मोह दे राय थुक्का पईया, ते अपवित्र हो जाता, अपवित्र हो जाता। ये देवत्यां दा कर्जा, ये फिर हुण किवें उतरेगा इन्हां देवत्यां दा कर्जा? ये देव ऋण, इनू देवत्यां दा ऋण कहिंदे ने, देवत्यां दा कर्जा कहिंदे ने। अन्न ते अन्न ने तेरी भुख मिटाई, हुण जगत विच किसे भुखे दी भुख तो मिटा। पानी ने तेरी प्यास मिटाई, तू किसे प्यासे दी प्यास बुझा। विच दुनिया सेव करो, ये कर्जा तां लेना है उंज नहीं लेना। अन्न दान महा कल्याण, इसे वास्ते संगत दे नाल गुरु बाबे ने पंगत जोड़ी है, जोड़ी है। ये कर्जा इस तरह लेना है, गुरु ऋण, गुरु दा कर्जा। गुरु ने जो हुक्म कीता है, जो वचन कीता है, उन्हों खिड़े मत्थे मन लेना। गावया सुनया तिनका हर थाए पावे, जिन सतगुर की आग्या सत सत करवाने। मनुख गुरु ग्रंथ साहब की परिक्रमा करे, मथा टेके, चौर करे, ते कह देवे हे गुरु ग्रंथ साहब बचन मैं नहीं मन सकता। ए गल औखी, तो मथा टेकना पखंड ना होया ते होर की होया। बचन गुरु जो पूरे किया, मैं छीक गाठड़ी बांधा उते पल्ले च बनना पेगा। जे तेनू कबूल ही नहीं बचन, जैसे होछा मदमूल न पीजे जेका पार वसा। ये होछी शराब भुल के ना पीवी, जब तेरा पूर्ण होश जागेगा उदों तेनू अंदर नौनिद नाम दा पता चलेगा। ते जितना होश तेरे कोल है शराब पीण नाल ते भी चला जाना। इस वास्ते भावें इस्लाम विच मांस ते ऊठ दा भी खा लैंदे ने, गऊ दा भी खा लैंदे ने, पर शराब नूं हराम कहिंदे ने। मुहम्मद साहब ने हराम कहा, सारे मजहबां ने हराम कहा, क्योंकि मनुख नूं अचेत कर दी। मत्था ते टेकिया गुरु ग्रंथ साहब नूं,
संध्या का समा होया, राज साहब के पाठ का वेला है, बोतल खोल के बैठा है, तो यदा मत्था टेकना की मैंने गुरु का कर्जा इस दिते रहेगा। इन्हें गुरु की गल सुनी है तो मनी ने। भाई साहब भाई नंद लाल कहते हैं, गुरु ने जो संगत को सांझे रूप में उपदेश देता है उन्हों भाई साहब भाई नंद लाल अपने शब्दों में साढ़े सामने रखते हैं। निशान सिखी ई पंज हरफ का, जिन्हों असी पंजाबी देच कक्का कहते हैं, अरबी फारसी उर्दू देच उन्हों काफ कहते हैं, काफ अखर, उस अखर नू काफ कहते हैं। इंग्लिश देच के पंजाबी असी कक्का कहने, उर्दू फारसी अरबी उन्हों काफ कहते हैं, काफ वो कई की आवाज देता है, कक्के की आवाज देता है। चूंकि भाई साहब भाई नंद लाल का सारा कलाम फारसी देच है और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नाल जो मैं पढ़िया है वह बोलते भी फारसी सन, मादरी जबान उन्होंने ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अरबी फारसी संस्कृत के महापंडित सन, महापंडित वो उन्हां दी रचनावां तो पता चलता है। भाई साहब कहिंदे निशाने सिखे ई पंज हरफ काफ, के हरगिज ना बाशद ई पंज माफ। सिखी दी निशानियां पंज काफ दे हरफां दे बंद ने, एक काफ भी नहीं है, ये माफी का ख्वाहिशगार नहीं हो सकता, ये गुरु घर तो माफ नहीं हो सकता। ते भाई साहब जरा एक काफ खोल के दस दो, एक एक काफ नाल की जुड़े होया है, एक एक के नाल कके नाल की जुड़े होया है, भाई साहब वह भी दसते हैं, ध्यान नाल सुनना। इस तो इलावा जो कुछ असी जोड़े अपने कोलों जोड़े है। निशाने सिखी ई पंज हरफ काफ, के हरगिज ना बाशद ई पंज माफ। कड़ा कार दो काच कंगा बिना, बिना केस हेच अस्त ई जुमला निशान। कड़ा कार दो किरपान, फारसी च कार दो कहते हैं, कड़ा कार दो काच कछहरा कंगा बिना, ये सारिया बिना केस हेच अस्त ई जुमला निशान। केसा तो बिना ये चार निशानियां प्रवान नहीं, भावें तू कड़ा पहने ते भावें तू कृपान भी पाई होवे ते कछहरा भी धारण किया होवे, ये निशानियां प्रवान नहीं। लाड़ा ही कोई नहीं ते बरात के बराती केड़े काम दे, उन्होंने बराती आखना की मैंने रखता है, लाड़ा ही कोई नहीं, केस ही कोई नहीं। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने उस परम तस्वीर नो, उस सिख की तस्वीर नो मड़िया है, ते तस्वीर मरण वास्ते एक चौकटा चाहिदा हुंदा है, विचकार शीशा। पंज चीजां नाल चार लकड़ां उपर थले आमने सामने, चौकटा विचकार दर्पण, बाकी दी चार रहता चौकटा ने एक केस दर्पण ने शीशा है, इहदे चों सिख झलकदा है, केस ही नहीं ने ते सिख सिख नहीं दिखाई देता, भावें कड़ा है, कड़ा ते मुसलमानों ने भी पाया है, भावें कृपान है, कृपान ते सारे राजस्थान के राजपूत भी धारण करते हैं, और हिंदुओं के घर जब लाड़ा चलता है ब्याह नूं उन्हों भी कृपान पाई जाती है, वो सिंघां दे घरां च मंगण आ जाते हैं, कृपान दे तलवार दे लाड़ा कृपान ते उन्हां दे च भी धारण की जाती, गोरखे धारण करते हैं नेपाली। ये चार निशानियां बराती ने, केस लाड़ा ने, ये चार निशानियां चौखटा ने, केस दर्पण ने शीशा, ये चौं सिखी झलकदी है,
शीशा लीरा लीरा हो जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए, तस्वीर दे नाल जुड़े हुआ टुकड़े टुकड़े शीशा, तस्वीर नहीं दिखाई देती, नहीं दिखाई। केस दे टुकड़े टुकड़े कर देते कैंची नाल, उस तरह नाल हुण ए सिख सिख नहीं दिखाई देता, नहीं दिखाई देता। कड़ा केस कड़ा कार दो काच कंगा बिना, बिना केस हेच अस्ति दुम जुमला निशान। शब्द केस है भाई साहब भाई नंद का, बिना केस हेच अस्ति जुमला निशान। ते हुण कोई आखे आखे पिया गुरु असी नहीं मनदे, ये गुरु का कर्जा रह जाए। गुरु ने कहा हर धन अमृत वेले वत्थे का बीजया, भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाही। ये सुन भी लिया ते तू नहीं उठदा, कर्जा रह गया। उदम करेंदिया जीव तो कमाउंदिया सुख भंज, दयाउंदिया तो प्रभु मिल नानक उतरी चिंत। ये उदमी भी नहीं आलसी है, और ये उठ के नाम भी नहीं जपदा, पर शब्द ते सुन लिया गुरु को, ये गुरु का कर्जा रह जाएगा। सत्संग रोज रोज करता है, गुरुद्वारे रोज रोज आंदा है, गुरु की एक गल नहीं मनता, यकीन जाने दे सिर दे ते कर्जा रोज रोज बद रहे है, बद रहे है। एक कर्जा ही है। ते गाविया सुनिया तिनका हर थाए पावे, जिन सतगुर की आ गया सत सत कर माने। जो एक दफा सत सत करके मन लेंदा है, धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं मन ने की गत कही न जा, जेको कहे पछे पछता है। जो मन लेंदा है उसकी महिमा नहीं बयान की, बस जो सुनांदा ते पे है मनदा नहीं, गाउंदा ते पे है मनदा नहीं, पढ़दा ते पे है मनदा नहीं, सुनदा ते पे है मनदा ही नहीं, कुछ भी नहीं। कर्जा रहेगा, कर्जा ही है, ये सिर ते कर्जा रहेगा। ये तीजा कर्जा है गुरु ऋण, ते चौथा कर्जा ब्रह्म ऋण, परमात्मा दा कर्जा। तुसी आखोगे ओदा कर्जा की है, नवजायत बच्चा आउंदा है, बच्चा जब जन्म लेंदा है, ये पंजे विकार उस दे विच नहीं है, ईर्षा द्वेष भी नहीं है, निंदा ते उस्तत भी नहीं है, अपना ते पराया भी नहीं। दुश्मन उन्हों गोद च लै दे तां भी मुस्कुरांदा है, पड़ोसी मित्र गोद च लै ले तां भी मुस्कुरांदा है। ओला है, पावन है, पवित्र है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने पायो बाल बुद्ध सुखरे, परम आनंद मिले सानू बाल बुद्धि करके। संसार का कोई भी काम करिए चातर बुद्धि वर्त लिया करो, पर जब पाठ करना है बाल बुद्धि, जब गुरुद्वारे बैठना है बाल बुद्धि, जब कीर्तन करना है तो सुनना है बाल बुद्धि। हजरत ईसा कहा करते सन मेरे खुदा दे महल दे ओ ही प्रवेश करनगे जो बच्चे ने, जो बच्चे ने, ओ इंज कहंदे सन। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने पायो बाल बुद्ध सुखरे, बच्चा मासूम है, भोला है, निर्वैर है, निर्दोष है, सारे गुण ओदे च ने, जमे है सारे गुण लैके, सहजे सहजे जीवे है सारे गुण गवा के, सारे अवगुण संग्रह करके, जमे है सारे गुण लेके, जीवे है सारे गुण गवा के। निर्दोषता गवा देती, बोलापन गवा देता, समदृष्टि गवा देती, सब कुछ गवा देता। सिर्फ यही नहीं कि गुण गवाए ने, फिर अवगुण कट्ठे किए। तो ब्रह्म ऋण परमात्मा ने जिमें भेजिया से
वापस तू जद इस संसार तो जावे, अगर वैसा नहीं तो परमात्मा दे द्वार बंद ने, तू मुक्त नहीं हो सकता। तू जन्म मरण के चक्कर विच पैगा, तू लंबे गेड़िया विच पैगा। वैसा ही जा जैसा जगत विच आया से, कदी कदाई कोई इस तरह जानता है। जिस बीजक नामक ग्रंथ की मैं गल की थी, उस कबीर के चेले जो बाद विच कबीर पंथ का प्रचार करते रहे, उन्होंने भी कुछ बोल ने। उन्होंने नाम से धनी राम, कबीर के नाम से उचारा होया धनी राम का एक बोल थानू सरण करावा। कहिंदे ने बस इत्थे तक ही कबीर की परंपरा ठीक रही, अगों तक बस पेशेवर आ गए, दुकानदार आ गए, खेड ओ ना रही। धनी राम कहिंदा है, बड़े यतन से ओढ़ी कमरिया, ज्यों की त्यों धर दीन चदरिया, ए परिपूर्ण परमात्मा। ये जिंदगी दी चादर जेड़ी तू मैनू दित्ती सी, बड़ी चिट्टी बेदाग साफ सुथरी, मैं उस तरह ही वापस ले आया। देख मैं किधरे दागी नहीं आने दित्ती, मैं किधरों फाड़ी भी नहीं है, मैं ये चादर उसे तरह ही ले आया प्रभु, जिमें तू मैनू दित्ती सी। बड़े यतन से ओढ़ी कमरिया, बड़ी सावधानी नाल मैं ये कंबली ओढ़दा रहा, किधरे मैली ना हो जाए। मनुख इस शरीर की कंबली बारे चादर बारे सावधानी नहीं वरतदा, गलत वेखदा है, अखां मैलियां होंदियां ने मन मैला होंदा है, गलत सुनदा है कन दागी आउंदे ने मन मैला होंदा है, गलत बोलदा है। चार पाप ते जबान दे बजर मने गए ने, मिथ्या बोलना, कौड़ा बोलना, फिक्का बोलना, व्यर्थ बोलना, बोलना है। इसका प्रभाव मन ते पैंदा है, जबान दा की आउंदी है, मन दा की आउंदा। धनी राम कहिंदे ने मैं इस तरह का कुछ भी नहीं कीता, मैं बड़ी सावधानी नाल जिंदगी दी ये चादर ओढ़ी है। बड़े यतन से ओढ़ी कमरिया, ज्यों की त्यों धर जीन चदरिया, जिमें प्रभु तू मैनू दित्ती सी ये चादर, मैं तिवें ही तेरे कदमां च रख दित्ती। वापसी उस तरह तो ब्रह्म का कर्जा लै जाता है, परमात्मा ने जिमें भेजिया सी वैसे ही लौट गए, वैसे ही लौट गए। तो प्रभु का कर्जा जो कुछ किसी ने को लिया तो वापस करिए, जैसा जीवन प्रभु तो आया है वैसा ही वापस करिए। तो ब्रह्म ऋण लै जाता है, गुरु का वचन मन लीए तो गुरु का ऋण लै जाता है। देवते साढ़े शरीर नाल संबंध जोड़ के भ्रष्ट हो गए, इन्हां दे बदले च किसी की भुख मिटाइए, प्यास मिटाइए, किसी नो दवा दारू की मेहनत करिए, इस तरह का उद्यम उपराला करिए, तो फिर देवत्यां का कर्जा लै जाता। मां बाप ने सेवा की थी, बदले च उन्हां दी सेवा करिए तो फिर पितरी ऋण लै जाता है। ये चार कर्जे ने, पितरी ऋण, देव ऋण, गुरु ऋण, ब्रह्म ऋण। धन गुरु रामदास जी महाराज कहिंदे ने साढ़े चारे कर्जे ही लै गए। मेरे ही अरे रतन नाम हर वसिया, गुर हाथ धरयो मेरे माथा, जन्म जन्म के किल विख दुख उतरे, गुर नाम दियो ऋण लाथा। सारे ऋण सारे कर्जे लै गए। धन गुरु रामदास जी महाराज का पुरब मनांदे होया अज तहिया कर लईए कि एक कर्जे निबेड़ने ने, जीवन दे अंत तो पहले एक कर्जियां दा बोझ उतारना है, लाना है। गुरुपुरब मनाया होया साडा सफल होवेगा। इतने ही बचन प्रमाण करने, सारिया का हार्दिक तौर पर धन्यवाद। भुल चुक दी क्षमा, दास की फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
ज्ञान